नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आपका आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, मिलवाते हैं आपको मेहमान से और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की बात में क्या विषय है हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों के बारे में, और जिसके लिए हमारे साथ होंगे आयुक्त नगरीय प्रशासन से। साथ ही एक और महत्वपूर्ण विषय, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में बात करेंगे, और इसमें भी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ होंगे। साथ ही मिलवाएंगे आपको एक सफल स्टार्टअप से भी। तो दर्शकों, आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, क्योंकि आप भी जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से, और आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07552660049 और टोल फ्री नंबर है 1800233-00340। तो दर्शकों, मैंने आपको आज की बात के विषयों के बारे में बताया है, अब नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079, फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया, तिथि है 10 मार्च 2013 23 और दिन है शुक्रवार। दर्शकों, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और हर दिन कुछ ना कुछ खास बातें जुड़ी रहती हैं इतिहास से। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है इतिहास में। 1876 में ग्रामवेल ने पहली बार टेलीफोन पर अपने मित्र से बात की। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मेरी आवाज़ सुनो, मैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1922 में महात्मा गांधी गिरफ्तार किए गए। राजद्रोह का आरोप, 6 वर्षों की कैद, परंतु 2 वर्ष बाद रिहा किए गए। सन 1981 में वाजिद खान, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट, पेटेंट धारक तथा आविष्कारक हैं, इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ 1996 में प्रियंका गोस्वामी, भारतीय महिला एथलीट रेस वॉकर का भी जन्म हुआ। और 2010 में भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया। आपको ये भी बताना चाहेंगे, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, और CISF की स्थापना सन 1969 में की गई थी संसद के अधिनियम के तहत, और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका मुख्य जो कार्य है वो सरकारी कारखानों एवं सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही साथ नई जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसमें दिल्ली मेट्रो और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी CISF के जवानों को दी गई है। तो महत्वपूर्ण योगदान है इनका हम सभी के लिए। साथ ही साथ दर्शकों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज जयंती है सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले जी की, जो कि प्रथम महिला है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, साथ ही साथ समाज सुधारिका भी है और मराठी कवित्री भी हैं। और आपका विशेष योगदान रहा है, आपने अपने पिताजी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य किया है। साथ ही साथ दर्शकों, आज जैसा कि मैंने आपको बताया, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम आपके बीच आए हैं। तो हमारा जो पहला विषय है वो है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और शासन निरंतर कार्यरत है कि पूरे संपूर्ण समाज के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है। हमारे साथ स्टूडियो में भोपाल से हैं श्री आकाश राठौर जी, जो कि मार्केटिंग ऑफिसर हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी। सर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है, जो हम ट्रीटमेंट रहता था, जो मरीज जाते थे अस्पतालों में, तो उनका ट्रीटमेंट तो महंगा होता ही था, साथ साथ जो वो दवाइयाँ उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टरों द्वारा, तो वो बहुत महंगी मिलती थी। बिल्कुल, ब्रांडेड मेडिसिंस मिलती थी, सारी महंगी रहती थी, कॉस्टली। तभी भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंदर फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना बनाई गई जी। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो गरीब इतनी महंगी ब्रांडेड मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट तो सस्ता हो गया सरकारी अस्पतालों में, लेकिन जो है दवाइयों का रेट नहीं कम हुआ। बिल्कुल। तो इस योजना के द्वारा प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक यही उद्देश्य रहा कि लोगों तक गरीब, सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां पहुंचे जी। और साथ साथ वो फार्मासिस्ट, या जो कोविड के टाइम में हमने देखा कि रोज़गार नहीं है लोगों के पास,
तब उस टाइम पे इस योजना का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, लोगों को बहुत फ़ायदा मिला कि जिनके पास रोज़गार नहीं था उन्होंने भी इसे रोज़गार के उसमें अपनाया। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले गए, उससे उन्हें काफ़ी लाभ हुआ, इंसेंटिव भी दिया गया भारत सरकार द्वारा और साथ ही स्पेशल इंसेंटिव भी दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने आकाश जी। अब हम दिल्ली से जुड़ना चाहेंगे, हमारे बीच होंगे श्री रवि जी, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आकाश जी कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें, हम शासन से तो बात करेंगे ही इस पूरी परियोजना के बारे में, लेकिन मध्य प्रदेश में जो शुरुआत हुई है तो किस प्रकार से इस परियोजना को संचालित किया जा रहा है, कहाँ कहाँ ये स्टोर्स हम अगर हम बात करें भोपाल की या अलग जिलों दूसरी जिलों की भी कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं ये स्टोर्स? देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ पे सभी जिलों में हर एक एक कम से मिनिमम एक जनऔषधि केंद्र वहाँ पे खोला गया है जिससे लोगों को वहाँ पे सस्ती दवाइयों का लाभ मिल पाए। और साथ साथ हमारे भोपाल में यहाँ पे अभी 12 जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं और हमारे इंदौर में 71 जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं जिसके द्वारा ये जनऔषधि केंद्र हर एक पब्लिक के बीच में है जहाँ पे इजीली कोई भी जो पेशेंट है जा सकता है, मरीज जा सकता है, ले सकता है। और वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन की भी ऐसा नहीं है, जो उनको दवाइयाँ लगती हैं वो सभी दवाइयाँ हमारे प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों पे अवेलेबल हैं, वहाँ से वो ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जेनरिक दवाइयों की अगर बात करें तो लोग कितने अवेयर हैं इसको लेकर के? जी, एक इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जिन लोगों को जेनरिक मेडिसिन का मालूम ही नहीं था जी, तो कोविड सिचुएशन के टाइम पे हमने देखा कि बहुत मारामारी रही, लेकिन इस योजना के थ्रू लोगों को एक अवेयरनेस हुई कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, उनका रेट कम क्यों होता है। ज़्यादातर हमें यही होता है कि सस्ती दवाइयाँ हैं तो अच्छी नहीं होंगी, क्वालिटी नहीं होंगी। बिल्कुल, तो इस चीज़ को भी हमें दूर करना है। हम इसके साथ साथ अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स करते रहते हैं, लोगों तक इसको पहुंचाते हैं कि सस्ती दवाई मतलब ख़राब नहीं होती, क्वालिटी वाली होती है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है कि जेनरिक मेडिसिन सभी लोगों तक पहुँचे, सस्ती दवाई है और क्वालिटी में कोई भी वो नहीं किया गया है। बिल्कुल, और कितने प्रतिशत डॉक्टर्स जेनरिक दवाइयों को सजेस्ट कर रहे हैं और क्या और फ़ायदे हैं इसको अपनाने के? जेनरिक दवाई को मैक्सिमम जितने भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो सभी लिखते हैं जेनरिक मेडिसिन। और मैं जो यहाँ पे भी हमारे मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जितने भी सरकारी अस्पताल, तो उसमें से 6 अस्पतालों में हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र है सरकारी केंद्रों में। जैसे कि आप यहाँ पे हमारा एक है एम्स में, एम्स भोपाल में जो नीचे को कार्यरत है जनऔषधि केंद्र, और एक है हमारा BMHRC में जी, जिसके थ्रू वहाँ के जितने भी लोग हैं वो उन्हें जनऔषधि की दवाइयाँ सस्ते दरों पर मिल रही हैं। क्या ये सस्ता होने के साथ साथ क्वालिटी में भी उतनी ही अच्छी है? जी, ये क्वालिटी में इसलिए अच्छी है क्योंकि हर सबसे पहले जब ये निकलती हैं दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती है वो टेस्ट होती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ये सारी WHO GMP सर्टिफाइड मेडिसिंस होती हैं और साथ साथ हमारी जितनी भी NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं वहाँ पे इनकी रीटेस्टिंग होती है, हर एक बैच वाइज टेस्ट होता है, फिर जब वो पास होती है तभी वो मार्केट में आती है। फिर उसके बाद भी हम और टेस्ट होते रहते हैं दवाई पर, अगर कुछ भी ऐसा रहता है तो वो हमारे मार्केट में नहीं आते। बिल्कुल, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इसका कोई प्रोटोकॉल होता है कि किस प्रकार से इनको बनाया जाता है या विदेशों से आती हैं इसलिए ये इतनी नॉमिनल है, ये जो एक भ्रांति रहती है लोगों की, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जो लोगों को ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसके लिए हमारा ई टेंडर जो निकलते हैं तो उसी के थ्रू सारी मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरीके से बनती हैं, फिर उनकी टेस्टिंग की भी पूरी सुविधा हम देखते हैं कि टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि इसकी क्वालिटी में कुछ भी ना रहे। तो ये सारी WHO GMP सर्टिफाइड जो रहती हैं, क्वालिटी मेंटेन रहती है, एंड इसके साथ साथ जो NABL एक्रेडिटेड लैब है उसका मेन काम यही है कि इसकी क्वालिटी को एश्योर करे, क्योंकि ये सभी जनता तक जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी का इस योजना के द्वारा। तो लोगों के अंदर ये जो एक भाव है कि सस्ती दवाई है तो अच्छी नहीं होगी, तो इसको दूर करें और क्वालिटी मेडिसिंस लोगों तक पहुंचाएं सस्ते दामों। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में हमारे मैक्सिमम स्टेक होल्डर सभी प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र हैं जी, और साथ साथ हमारे जितने पेशेंट्स हैं,
वेंडर्स हैं, ये हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन तक हमारी दवाई पहुंचती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आती है, हमारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनके थ्रू यहाँ मध्य प्रदेश में दवाइयाँ आती हैं और फिर उन सभी जन औषधि केंद्रों के द्वारा लोगों तक ये दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की विशेषताएँ क्या हैं? जी, इस योजना की विशेषता यही है कि जो भी एक तो सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ मिलें, साथ साथ जो रोज़गार खोल रहे हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा एक 15% का इंसेंटिव दिया जाता है, 5 लाख तक का, 5 लाख का इंसेंटिव दिया जाता है, जिसमें 15% उनकी जो जितनी भी परचेजिंग होती है, सेल होती है, उसके ऊपर मिलता है 15,000 की कैपिंग के साथ। और साथ साथ जो हमारे अदर SC ST कैटेगरीज हैं एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्लस अदर दिव्यांग हैं, तो उनको भी भारत सरकार द्वारा 1-2 लाख का स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है। वुमेन कैटेगरी को भी दिया जाता है कि जिससे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर ऊपर उठ गया। बिल्कुल, तो उन्हें 2 लाख का मिलता है, जिसमें उनका फर्नीचर फिक्चर और ये इन सब के लिए रहता है। जी, फर्नीचर फिक्चर कंप्यूटर प्रिंटर के लिए 2 लाख देती है सरकार। पात्रता क्या रहती है अगर ये स्टोर खोलना है? प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का जो आप बता रहे हैं, जो योग्यता है, क्या पात्रता रहती है, किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत रहती है अगर किसी को ये स्टोर खोलना है तो? जी, जो जिसे भी जन औषधि केंद्र खोलना रहता है तो वो हमारी जो वेबसाइट है www.janaushadhi.gov.in, वहाँ पे जाके एप्लीकेंट रजिस्टर करता है अपने आप को, और वहाँ पे जो भी अवेलेबल लोकेशन होती है वहाँ पे अप्लाई करता है, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के अप्लाई करता है, जो फीस होती है उसे पे करता है जी। और वुमेन कैटेगरी और जो हमारी स्पेशल कैटेगरी है उनकी फीस, उनमें फीस नहीं लगती, बिल्कुल वहाँ पे 0 फीस है, फ्री एप्लीकेशन अप्लाई होती है। और जब ये एप्लीकेशन अप्लाई होती है, वो अप्रूव करते सबमिट होती है, फिर हमारे हेड ऑफिस में जाती है चेक होने के लिए, फिर वहाँ से हमारे पास आती है, जैसे हम लोकेशन देखते हैं, वहाँ का डिस्टेंस देखते हैं कि नियर बाय जन औषधि केंद्र कितने हैं, और फिर उसको हम अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के साथ साथ हम उन्हें एक इनिशियल अप्रूवल लेटर देते हैं जी। तो इनिशियल अप्रूवल लेटर के बाद वो ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ड्रग लाइसेंस अप्लाई होने के बाद वो सभी डॉक्यूमेंट्स, एक एग्रीमेंट होता है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे हेड ऑफिस जाते हैं, जिसमें फिर उसके बाद उन्हें एक स्टोर कोड दिया जाता है, जिसके बाद वो एक उनका स्टोर स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ हम उनके एक सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू वो परचेजिंग और बिलिंग दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। दर्शक को आप नोट कर सकते हैं, अगर आप भी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का कोई स्टोर खोलना चाहते हैं तो वेबसाइट सर ने जो शेयर की है www.janaushadhi.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है, इसके बाद की कार्रवाई होती है, एक एग्रीमेंट होता है और फिर ऊपर लेवल पर जाकर इस पर कार्रवाई की जाती है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि इसका एक सेटअप की प्रक्रिया होती होगी, किसी के पास स्पेस भी उतना होना चाहिए, वो इंफ्रा स्ट्रक्चर की क्या आपकी जिसमें रिक्वायरमेंट रहती जो है? स्पेस का एलोकेशन होता है कि इसमें मिनिमम स्पेस ड्रग लाइसेंस के लिए, एक ड्रग स्टोर खोलने के लिए भी 120 स्क्वायर फीट मिनिमम चाहिए रहता है। तो 120 स्क्वायर फीट की स्पेस आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिकल स्टोर जन औषधि केंद्र के लिए आप खोल सकते हैं। बिल्कुल, आपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, तो उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी दी जाती है क्या? जी, उस सॉफ्टवेयर की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ तक कि आपको अगर हमारे सॉफ्टवेयर अपडेशंस भी होते हैं, और आपको अगर रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए, कभी बीच में भी चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, और क्या कुछ नया खास आने वाला है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की अगर बात करें तो क्या कुछ खास आने वाला है इसके अंतर्गत? इसमें देखिए, अभी हमारे आयुर्वेदिक में भी अभी जैसे च्यवनप्राश लॉन्च हुआ है, च्यवनप्राश एड ऑन हुआ है, और भी हमारे साथ साथ हमारी बास्केट्स बढ़ रही हैं, हम मैक्सिमम और भी जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं, पूरे भारत में भी इसकी बढ़ रही है संख्या, और साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हम इसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, साथ साथ जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, सस्ती दवाइयों का उपयुक्त यूज़ किया जाए। बिल्कुल, जैसे कि आप मार्केटिंग देख रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की एक साइकिल होती है, तो कैसा रिस्पांस है, वो साइकिल कैसी जा रही है, प्रोडक्शन कितना है और उसकी इक्विपमेंट, मतलब उसको कितना ज़्यादा उपयोग मिला रहे हैं लोग? जी, उसका उपयोग तो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, सभी जितने भी पेशेंट्स हैं सभी जन औषधि केंद्रों पर जाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। जी, और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग क्या इसके हिसाब से होती है कि जेनरिक मेडिसिन के हिसाब से? मैम, एक्चुअली डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता जी, कि उनको जो जिस अस्पताल में रहते हैं वो उनकी अपनी ट्रेनिंग रहती है जी,
हमारे अंदर डॉक्टर्स के स्टेक होल्डर्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जनता से क्या बोलना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जन औषधि की जो सुविधाएं लोगों को ध्यान में रख के दी जा रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से ही कहना चाहिए कि आपके आसपास जितने भी जन औषधि केंद्र हैं, आप आज भी काफ़ी सारी महंगी मेडिसिन खरीदते हैं, तो आप अपने जनौषधि नियर बाय जनौषधि केंद्र के पास जाएं, वहाँ पे अपना पर्चा दिखाएं, या जो भी आपको दवाइयाँ लगती हैं आप एक बार उनको देखिए, उन वहाँ से लीजिए, उनका यूज़ कीजिए, तो आपको वहाँ से सस्ती और वो भी उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ आपको मिल पाएंगी। बिल्कुल, और कोई अगर पेशेंट है वो कोई मेडिसिन चाहता है, अगर उसको सेंटर्स ट्रेस करने हैं, कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, वो कैसे पता कर सकते हैं? जी, इसके लिए एक हमारी एप्लीकेशन है, सुगम एप्लीकेशन, जन औषधि सुगम जी, ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। उसके थ्रू आप मेडिसिन सर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है, उनकी एमआरपी क्या है, साथ साथ उसकी क्वालिटी के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। नियर बाय जनौषधि केंद्र भी आप देख सकते हैं कि आप जहाँ पे हैं उसके नियर बाय कितने जनौषधि केंद्र हैं, आप उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डायरेक्शंस भी आप वहाँ से मैप के थ्रू ले सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आप ये नोट कर सकते हैं, एक ऐप है, हम सभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जन औषधि सुगम ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जन औषधि सेंटर है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्या हमारे लिए वहाँ पे कंसल्टेंट्स भी होते हैं? जी हाँ, जो हमारे फार्मासिस्ट रहते हैं वो पूरा आपको बताएंगे वहाँ पे कि आपको किस तरीके से दवाई लेनी है और किस टाइम पे लेनी है, डोज पूरा वो बताते हैं। बिल्कुल, तो हमारी चर्चा जारी रहेगी, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ हैं आकाश जी, ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और देखेंगे फिटनेस के कुछ मंत्र। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सुखात्मक आसन में बैठेंगे। अब हम अपनी आँखों को धीरे से बंद करेंगे। इसमें इस क्रिया को करने के लिए हमारे मेरुदंड का सीधा हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद राइट हैंड से अपनी शुरुआत की दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे। सिर्फ हमारी अनामिका उंगली और अंगूठे का प्रयोग हम अनुलोम विलोम में करते हैं। अनुलोम विलोम को करने के लिए अब हम अपनी बाईं दाईं नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लेंगे। यथासंभव हम अपनी क्षमता अनुसार सांस को लेंगे। अब अपनी बाईं नासिका को हम बंद करेंगे। इसके बाद हम दाईं नासिका से अपने धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अब हम अपनी दाईं नासिका से पुनः धीरे धीरे सांस लेंगे। यथासंभव हम सांस लेंगे। हम इसमें शक्ति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अपनी हम दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को रगड़कर आपस में रगड़ेंगे और आंखों पर रखेंगे और आंखों पे से हाथ हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आइए अब हम करेंगे कपालभाति। इस कपालभाति क्रिया में श्वास लेना अपने आप ही हो जाता है। बस इस क्रिया में हमको श्वास को झटके से बाहर फेंकना होता है। ये आवृत्ति हम एक मिनट में 120 स्ट्रोक करेंगे। इस क्रिया से वापस आने के लिए हम अपनी श्वास को अब धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे।
तो ये तो थी कुछ फिटनेस की बातें। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में। हमारे साथ हैं आकाश जी। आकाश जी, हम बात कर रहे थे किस प्रकार से लोगों को ध्यान में रख के उनको सुविधाएं देने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए ये केंद्र बनाए जा रहे हैं। आपने बताया कि ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस ऐप में जो प्रक्रिया रहती है वो किस प्रकार रहती है? क्या लोकेशन भी हम ट्रेस कर सकते हैं? जी, आप लोकेशन भी उसमें ट्रेस कर सकते हैं। जब जैसे आप नियर बाय डालेंगे जी, तो वहाँ पे शो करेगा, वहाँ पे आप डायरेक्शंस के थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे एड्रेस के साथ मैप डायरेक्शन भी रहता है, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। बिल्कुल जी, जैसा कि आकाश जी ने बताया, और कुछ ही देर में हम जुड़ने जा रहे हैं रवि जी होंगे, जो कि CEO हैं प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के, दिल्ली से जुड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, स्वच्छता की बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता ने अपना परचम लहराया है, पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है आज मध्य प्रदेश। और जैसा कि हमें पता है कि 2 अक्टूबर 2014 में शुरुआत हुई स्वच्छ भारत मिशन की, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है स्वच्छ भारत मिशन। और मध्य प्रदेश निरंतर अब आगे बढ़ रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में। स्वच्छता के लिए मैं आपको मिलवाऊंगी हमारे विषय विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं हमारे साथ श्री रवि ददीत जी, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और आप रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मा विभाग से हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। जी थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत शासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है, और इस योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे पूरी तरीके से। जी, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जी लोगों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध कराता है, और जो दवाइयां इसके जनऔषधि केंद्रों में मिलती हैं, वे बाजार में मिलने वाली अन्य ब्रांडेड दवाइयों के 50-90% तक सस्ती होती हैं। बिल्कुल। तो आम आदमी अपना जो दवाइयों पर होने वाला खर्च है उसमें काफी बचत कर सकता है, और जिन व्यक्तियों को कोई लाइफस्टाइल डिजीज है या बीपी शुगर और ऐसी कुछ बीमारियां यदि हैं जो कि रेगुलर दवाइयों की जिसमें आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल, उन लोगों के लिए ये निरंतर बचत का एक स्रोत बन जाता है। तो इसका काफी एक्सेप्टेंस है। पूरे देश में करीब 9,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ से लोग जाकर अपनी दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ले सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारी है मध्य प्रदेश की, और इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं मध्य प्रदेशवासी? हाँ, देखिए, ये पूरी देशव्यापी योजना है, इसमें किसी राज्य विशेष के लिए कोई अलग प्लान नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का मैं यदि आपको जानकारी दूं जी, तो मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले इससे कवर्ड हैं, और उसमें 271 जनऔषधि केंद्र खुले हुए हैं ऑलरेडी जी, और अभी और केंद्रों को खोलने के लिए जैसी आवश्यकता है, हमने इन 52 में से केवल एक इंदौर को छोड़कर बाकी सभी जगह 51 डिस्ट्रिक्ट से नई एप्लीकेशन भी इन्वाइट की है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति यदि जनऔषधि केंद्र खोलना चाहता है तो वो जनऔषधि की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, और उसको फिर हम एक इनिशियल अप्रूवल देंगे, और उसके आधार पर वो अपना एक रोजगार सृजन के लिए एक माध्यम है। बिल्कुल। दवाई की दुकान खोल सकेगा जी, तो सेवा भी कर सकता है वो व्यक्ति, और रोजगार भी उसको उपलब्ध होगा। तो ये इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव या दोहरा इसका उद्देश्य है इस स्कीम का। बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 200 नए केंद्र मध्य प्रदेश में खुले हैं जी, और केवल 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें की थोड़ा कवरेज कम है। मैं उनके नाम भी बताऊंगा यदि आपको, भिंड, बुरहानपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, गुना, झाबुआ, निवारी और उमरिया, इन सब में भी एक एक केंद्र है, लेकिन हम चाहेंगे कि इन सब में जहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही जनऔषधि केंद्र है वहाँ पर इनका नंबर बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टेक होल्डर्स के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन है स्टेक होल्डर्स इस परियोजना के अंतर्गत? देखिए, हमारे स्टेक होल्डर में सबसे जो मुख्य है वो है लाभार्थी, जो लोग दवाइयाँ खरीदते हैं हमारी दुकानों पर आकर। दूसरा स्टेक होल्डर सबसे जरूरी जो इसमें सहयोग करते हैं वो जनऔषधि केंद्र के संचालक। बिल्कुल सर। और इसके अलावा इन केंद्रों तक जो दवाइयाँ हम सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसके अलावा हमारे लॉजिस्टिक सप्लायर जो देश के 4 जगह वेयर हाउस है उनसे दवाइयों को जगह जगह पहुँचाते हैं वे हैं। और इसके अलावा हम सभी दवाइयाँ WHO GMP मैन्युफैक्चरर से जब हम प्राप्त करते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी की होती है, उनको दोबारा से
एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से टेस्ट कराते हैं। टेस्ट के बाद ही, हर बैच को टेस्ट होने के बाद ही हम ये दवाइयाँ सप्लाई सिस्टम में डालते हैं और फिर ये दुकानों पर पहुँचती हैं। बिल्कुल, ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि दवाइयाँ सस्ती भी मिले और गुणवत्ता परक भी हो, ताकि लोगों को जो इसका पूरा लाभ पहुँचना चाहिए वो पहुँचे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप कि हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? तो मैं इसमें दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर ये दुकानें हैं। सबसे पहले दुकान की जानकारी होना आवश्यक है कि आपके आस पड़ोस में ये दुकानें या जन औषधि केंद्र कहाँ पर है। दूसरा, एक जन औषधि सुगम ऐप है, एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप लोकेशन ऑफ केंद्र या कहाँ पर जन औषधि केंद्र है वो भी ढूंढ सकते हैं जी, और कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो ढूंढ सकते हैं। उसमें फर्स्ट मेडिसिन नाम से एक ऑप्शन है, वो ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा, मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, वो दूसरे लोगों को इसके बारे में जानकारी दें कि इसका यदि प्रचार प्रसार होगा तो आप अपना तो पैसा बचा ही सकते हैं, अपने पड़ोसी की भी मदद कर सकते हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको जानकारी दे सकते हैं किस प्रकार वे अपनी बचत कर सकते हैं। क्योंकि दवाइयों पर खर्च होता है जब, तो मानसिक रूप से लोग परेशान होते हैं, एक तरफ बीमारी का की परेशानी, दूसरी तरफ खर्चे की परेशानी। बिल्कुल। तो इसका यदि प्रचार प्रसार अपने पड़ोस में करेंगे, अगर पड़ोस पड़ोस में, तो बाय वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ये स्कीम और आगे बढ़ पाएगी और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा दे पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और दर्शकों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज, स्वच्छता की बात कर रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण विषय है हमारे मध्य प्रदेश के लिए और गर्व का विषय भी है, तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। आज हमारे साथ हैं आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश लगातार निरंतर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना मुश्किल था, शासन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब ये मुकाम हासिल हुआ? देखिए, 2016 में स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में शुरू हुआ और 2017 से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ जी, जिसमें कि पूरे साल सभी पूरे देश के सभी नगरीय निकायों का स्वच्छता के पैमाने पे उनको जज किया जाता है और फिर उनको प्रदेशों को निकायों की रेटिंग की जाती है। तो मध्य प्रदेश ने 2014 में जैसे ही स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ इस पे काम करना शुरू कर दिया और लगातार हर वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, इच्छा शक्ति और आम लोगों का सहयोग, जो सभी नगरीय निकाय हैं वहाँ के सफाई मित्र, सफाई दीदियाँ और सबके सामूहिक प्रयास हैं। पिछले सर्वेक्षण में 2022 के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा, इंदौर लगातार छठवीं बार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो इसमें निश्चित तौर पर बहुत ही माइक्रो प्लानिंग करके लगातार काम करना होता है, मतलब स्वच्छता को केवल एक स्वच्छता एक आदत नहीं बल्कि इसको एक जन आंदोलन बनाना होता है। तो काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश में ये चीज़ हुई है, तभी हम अच्छा कर पाए हैं और इसमें बहुत मेहनत सबकी और सबका सहयोग इसमें लगा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात की, सबका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है, नवाचार जो आया है लोगों में उसको लाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, लोगों की सहभागिता जरूरी है। जैसे अगर स्वच्छता में बात की जाए और हम विशेषकर शहरी स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो जैसे डोर टू डोर कलेक्शन और कचड़े को अलग अलग करना, गीला कचड़ा अलग, सूखा कचड़ा अलग, प्लास्टिक कचड़ा अलग, ई वेस्ट अलग, कई तरह का 7-8 तरह का कचड़ा होता है जो एक घर में, एक सामान्य घर में जो कि पैदा होता है, जनरेट होता है, फिर उसको अलग अलग करके जो हमारी कचरा वाहन आते हैं घर घर, उनको अगर अलग अलग करके दिया जाए तो फिर जो हमारी कचरा की प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनमें उसकी प्रसंस्करण करना में आसानी होती है। और इस साल तो और उसको आगे बढ़ के कि कचड़े से वेल्थ, मतलब बेस्ट टू वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट आ गया है कि कचड़े से भी आय का अर्जन कैसे हो, उसको भी आय का अर्जन का निकाय बनाए, जैसे कि गीले कचड़े से खाद बनता है तो खाद को बेच के राशि का
उपयोग हो सकता है, जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज किया जा सकता है गार्डन्स में, सड़कों को साफ करने में, या कुछ उस तरह के पौधों में पानी देने में जो कि फल वाले पौधे नहीं है। तो ये अब इसमें सब लोगों की सहभागिता जरूरी है। अगर लोग अगर सहयोग नहीं करें, और वो एक घर के नाते भी लोगों को सहयोग करना है कि कचरा अलग अलग करके दें, उसी तरह से जो होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बाज़ार हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पे लोगों को कचड़े के कूड़ेदान में ही कचरा डालें, गंदगी ना फैलाएं, दूसरों को भी टोकें, और आपस में ये जो संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, मैरिज गार्डन्स हैं, बार्ड वाइज कॉम्पिटिशन्स हम लोग कराते हैं कि कौन सी बार्ड उस शहर की साफ़ है या नंबर वन है, उसी तरह से स्कूलों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसी तरह से हॉस्पिटल्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैरिज गार्डन की प्रतियोगिताएँ होती हैं। तो ये सब लोगों के सहयोग से संभव हो रहा है, और लोग निरंतर इसमें सहयोग कर रहे हैं, तभी हमारे शहर और हमारा मध्य प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कितना महत्वपूर्ण है गीला और सूखा कचरा, उसका महत्व समझना। सर, ट्रेन कैसे करते हैं लोगों को, नगरीय प्रशासन कैसे प्लानिंग करता है, कोई कार्यशाला आयोजित करता है क्या लोगों को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि लोगों की जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नगरीय प्रशासन जो संचालनालय है भोपाल में, उसमें एक स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक सेल गठित है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं। वो सेल जो हमारे 413 नगरी निकाय है, जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, मतलब बड़े नगर निगम भी हैं और छोटी नगर पंचायत भी हैं, उन सब के लोगों को हम उसमें ट्रेंड करते हैं, उनको यहाँ से हम पूरा सपोर्ट देते हैं, और लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए भी लोगों को उससे जोड़ते हैं। लोगों में जोड़ने के लिए जैसे एक मीडिया है या सामाजिक संगठन है, अभी जैसे पूरे देश में संत निरंकारी मंडल जो तालाब हैं जितने भी शहरों में, उनके स्वच्छता में काम कर रहा है। तो जो रहवासी संघ हैं, RWAs हैं, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उन सबको हम जोड़ते हैं, ट्रेंड कराते हैं, उनके वर्कशॉप कराते हैं, उनके साथ हम प्रतिदिन सुबह उनके साथ हम मीटिंग करते हैं वीडियो के माध्यम से, BC के माध्यम से, मैं खुद जुड़ता हूँ, हमारी सारी टीम जुड़ती है। तो लगातार उसमें हम लोगों को काम करना पड़ता है, और लगातार लोगों को, समाज को स्वच्छता के क्षेत्र में हम लोग जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर, जैसा कि हमें पता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश को स्वच्छतम प्रदेश से नवाजा गया था, नंबर वन का दर्जा प्राप्त हुआ था, बड़ी उपलब्धि है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, कैसे संभव हुआ ये सब? देखिए, स्वच्छता के कई पैमाने रहते हैं। जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में शुरू हुआ था, तो पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे मध्य प्रदेश का चौथा स्थान पूरे देश में था। फिर 18, 19, 20 में हम तीसरे स्थान पर रहे, 22 में हम बड़े प्रदेशों में पहले स्थान पर रहे। उसके लिए हम लोगों को सारी जो नगरी निकाय हैं, छोटी से लेके बड़ी नगर निगम तक, उनमें काम करना पड़ा, उनकी स्टार रेटिंग करानी पड़ी, उनको ODF के बाद ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, फिर वाटर प्लस, उस तरह की कैटेगरीज में उनको अप्लाई करना पड़ा। उसके अलग अलग नॉर्म्स हैं कि व्यक्तिगत शौचालय हों हर घर में, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय हों हर जगह जहां ज़रूरत है, और उनका सही प्रयोग हो, उनमें स्वच्छता रखी जाए, लोग उन्हीं का प्रयोग करें। फिर जो आपके सार्वजनिक स्थल हैं, बाज़ार हैं, धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनकी साफ़ सफाई लगातार हो, इस तरह के 24 पैमाने हैं जिस पे रेटिंग होती है, और फिर 1 स्टार से लेके 7 स्टार तक रेटिंग होती है। तो ये कार्रवाई लगातार पूरे साल करनी पड़ती है, और ये सभी कार्रवाइयों का समप जो है प्रदेश की या संबंधित जो नगरी निकाय है उसकी रैंकिंग में परिलक्षित होता है। तो ये पूरे साल की मेहनत होती है, तब जाके वो अंत में परिणाम हमको मिलता है। तो निश्चित तौर पे उसमें लोगों का सहयोग चाहिए, समाज में सभी की भागीदारी, उसमें सामाजिक संगठनों से लेके और हर रहवासी संघ से लेके प्रत्येक घरवासी की उसमें सहभागिता चाहिए। तो सबकी सहभागिता और हम लोगों का निरंतर प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, और हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी उसमें सहयोग करते हैं, मीडिया सहयोग करती है, सामाजिक संगठन सहयोग करते हैं, तो लगातार काम करने से ही वो परिणाम हमको मिले, और 2022 में मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे आया, इंदौर लगातार 6वीं बार स्वच्छतम शहर पूरे देश का बना, भोपाल भी 5-स्टार रेटिंग, और प्रदेश की जो राजधानियाँ हैं उसमें स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार भोपाल ने जीता, और कुल मिला के 16
राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश को शहरों को 2022 में प्राप्त हुए। बिल्कुल, कई सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे प्रदेश के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में। आने वाले विगत वर्षों में अगर हम 2023 की बात करें तो प्रदेश की क्या कुछ तैयारी है सर? 2023 के लिए हमारी तैयारी पूरी जोरों से चल रही है और उसमें हम लोगों को और ज़्यादा जोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि स्वच्छता एक आदत से ऊपर एक जन आंदोलन जब हम बनाएंगे तभी जो है हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। मतलब अवार्ड लेना और फिर उसको मेंटेन करना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और लगातार हम रहवासी संघों को, सामाजिक संगठनों को, जो हमारे इस तरह के कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्कूल हों शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूल, या हॉस्पिटल्स हों या मैरिज गार्डन्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों, सबको हम सबको इसमें सहभागी बना रहे हैं और सब लोग सहभागी बन भी रहे हैं। उनकी हम निरंतर प्रतियोगिताएँ भी कर रहे हैं जिससे कि जो अच्छा कर रहे हैं उनसे अन्य लोग प्रेरित हों और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जो है सभी जगह रहे। तो ये जन आंदोलन जो का जो वास्तविकता में जन आंदोलन बनना चाहिए, स्वच्छता हमारे प्रदेश में बन पाए। बिल्कुल सर, सर महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है स्वच्छता की जब बात होती है। घर में भी अगर हम देखते हैं तो महिला ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि घर में स्वच्छता मेंटेन करें, और इनके लिए इनको शिक्षित करना और समझाना कि गीला कचरा, सूखा कचरा और भी कई चीज़ें, क्या कुछ कर रहा है विभाग? देखिए, इसमें जब हम लोग, हमारे जो सफाई मित्र हैं और सफाई दीदियाँ हैं, जो कि सफाई दीदियों की संख्या ज़्यादा है, आप लोगों ने देखा होगा जो सफाई के काम में हमारी दीदियां हैं, तो वो ये जा के घर घर समझाती हैं कि आपको गीला कचरा अलग देना है, सूखा कचरा अलग देना है। उनकी ट्रेनिंग वार्ड वार, जोन वार हम लोग अलग रखते हैं। और घर में जो रहवासी संघ होते हैं, जैसे कोई कॉलोनी है या कोई मल्टी बिल्डिंग है, जैसे इंदौर में रहवासी संघ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंदौर में स्वच्छता जन आंदोलन बन गया है, इसीलिए इंदौर लगातार इतना अच्छा काम कर रहा है। मतलब नगर निगम या विभाग से ज़्यादा वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है, साथ में सफाई मित्र, सफाई दीदी काम कर रहे हैं। तो वो लोग घर घर जाके समझाते हैं, विशेषकर महिलाओं को समझाते हैं। और घर में भी मुझे तो ये लगता है कि गीला और सूखा कचरा अलग कराने में जिस तरह से अन्य अनुशासन महिलाएं घर में बना के रखती हैं, इसमें भी बना के रखती हैं। वो घर के अन्य सदस्यों को बताती हैं कि आपको ये गीला अलग देना है, सूखा अलग देना है, नहीं तो गाड़ी में जो लेनी आएगी कचड़े की गाड़ी वो लेके नहीं जाएगी, फिर हमारे यहाँ कचड़ा रखा रहेगा, फिर 2-3 दिन का इकट्ठा करके देना पड़ेगा। तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा, जो घर की महिलाएँ हैं उनका बहुत बड़ा भूमिका है और वो भूमिका बहुत अच्छे से हमारे प्रदेश में निभाई जा रही है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया और महिलाओं को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। सर, आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं आज, तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी मध्य प्रदेश की नगरीय निकायें अभी तक स्वच्छता के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि पाई हैं या अच्छा जो भी कर रही हैं, उसमें लोगों का सहयोग है, आप सबका सहयोग है। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा इसी तरह से सहयोग करें। अभी मैं दूसरे प्रदेश में गया था, नाम नहीं लूँगा कहाँ गया था, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा कि उस प्रदेश में जब मैं गया तो मेरी नज़र गई कि वहाँ कचरा हर जगह पड़ा हुआ है, शहर में, बड़े 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 शहर में उस प्रदेश के, और हमारे प्रदेश में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा हो रहा है और हमें निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश, हमारी निकाय पिछले सर्वेक्षण में नंबर वन हम रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप हम लोगों को सहयोग करिए, हम लोग, हमारी सारी टीम, हमारा सारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रशासनिक नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है। आप सहयोग करें जिससे कि हम स्वच्छता में नए मानदंड स्थापित करें और स्वच्छता को अपने प्रदेश में एक जन आंदोलन बना पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भारत यादव जी, आयुक्त नगरी प्रशासन से हमारे साथ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और वाकई में स्वच्छतम प्रदेश में हम लोग हमेशा ही आगे रहेंगे क्योंकि निरंतर ही नवाचार हम अपना रहे हैं। पुनः सर आपको धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े थे आकाश राठौर जी, जिन्होंने हमें प्रधानमंत्री जन औषधि के परियोजना के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। दर्शकों, सैर करना भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, आइए आपको लेकर चलते हैं सैर पर। गांव देहात के लोगों का अनगढ़ विश्वास उन्हें मुक्ति दिलाने काल भैरव की शरण में ले आता है। वहीं
सात समुंदर पार के लोग जिज्ञासा में बंधे काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगा जाते हैं। ये भी सच है कि संसार भर से लोग आते तो जिज्ञासा के साथ हैं, लेकिन लौटते हैं अगाध श्रद्धा से भरकर। उज्जैन में काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन होता है चमत्कार, आंखों के सामने चमत्कार। हर कष्ट को, हर पीड़ा को खुद पर लेकर भक्तों को भयमुक्त करने वाले हैं भोलेनाथ। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाया। फिर उन्होंने ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को उनसे खत्म कर स्वयं के भीतर इन बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। जी हाँ, यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके सारे कष्ट। महाकाल की इस नगरी के पांव पखारती पवित्र क्षिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी क्षिप्रा भी कहा जाता है, धर्म ग्रंथों के मुताबिक उज्जैन जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देता है। और जहां के कण कण में महाकाल यानी शिव का वास है, शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहां स्वयं काल भैरव देते हैं साक्षात दर्शन भक्तों के लिए। भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल जहां सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि। तो आपने देखा, पर्यटन में हम आपको लेकर गए थे सैर पर, और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल स्टार्टअप से। हमारे साथ है को फाउंडर श्री गणेश गायकवाड़ जी, गाड़ी रिपेयर.com से। बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी आपका। जी गणेश जी, कैसे शुरुआत हुई आपके स्टार्टअप की, जानना चाहेंगे। हम बेसिकली कॉलेज में हमारी पूरी जो टीम थी वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते थे इंजीनियरिंग के टाइम पे। जी, फिर कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोगों की नौकरियां अलग अलग कंपनियों में लगी, और हम लोग एक्चुअली इंजीनियरिंग को लेकर काफ़ी पैशनेट थे, लेकिन नौकरियां उस दिशा में हमें मिली नहीं। जी, तो हम हमेशा से ही अपनी इच्छा और क्षमता अनुसार काम चाहते थे, जो हमें नौकरियों में मिल नहीं पा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने वापस हम रीयूनाइट हुए और हमने अपना काम शुरू करने का फैसला लिया। बिल्कुल, बचपन में क्या आपने सोचा था कि स्टार्टअप स्थापित करेंगे, या फिर आपका जॉब करने का सपना था? वैसे सच बताऊं तो कहीं ना कहीं बचपन से ये चीज़ मैं याद करता हूं तो समझ आता है कि खुद से कुछ करने की शुरू से इच्छा रही है, और अच्छा लगता है खुद से जब हम ओपन होते हैं अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर पाने के लिए। उतनी आज़ादी होती है हमारे पास अपनी क्षमता अनुसार काम करने के लिए, हम जो सोच रहे हैं उसे कर पाने की जो इच्छा होती है वो बचपन से ही मैंने देखा, और मेरे जो सहयोगी उनमें भी वो चीज़ है, तो हमें अच्छा लगता है ये काम करना और हम इंजॉय करते हैं इसको। बिल्कुल गणेश जी, आपने टेक्निकल एजुकेशन ली है, और टेक्निकल एजुकेशन के बाद पेरेंट्स सोचते हैं कि एक अच्छी जॉब करें, तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने सोचा, जब आपने अपना विचार उनसे व्यक्त किया कि मैं स्टार्टअप स्थापित करना चाहता हूँ, तो क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन अच्छा नहीं था। मेरे फादर बोल रहे थे कि यार इतना पैसा लगा के आपको इंजीनियर बनाए, आप हाथ काले करने निकले हो, तो उन्होंने तो मुझे घर से भगा दिया था। जी, फिर कैसे शुरुआत किया फिर? बट मुझे अंदर से फील होता था कि मुझे खुद से कुछ करना है, जो मेरा पैशन था ऑटोमोबाइल को लेके वो उसमें कुछ करना है। तो फिर मैं घर से निकला, एंड उसके बाद मैं जैसा मेरी टीम के साथ मैं मिला, उनसे अपनी बातें डिस्कस करी, मैंने उस दिशा में जॉब के लिए भी प्रयास किए, लेकिन मुझे वैसा अवसर नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। तो फिर जैसा मैंने आपको बताया, मेरी टीम में भाग्यशाली था, मुझे बहुत अच्छे मेरे मित्र रहे और उनके सहयोग से इस दिशा में मैं कदम आगे बढ़ा पाया उनके साथ मिलके। बिल्कुल, तो इस प्रकार से शुरुआत हुई। बिल्कुल, आपको प्रेरणा किसने दी, प्रेरक कौन बने आपके इस विचार के लिए कि आपको एक स्टार्टअप स्थापित करना है? मैम देखिए, प्रेरक है ना दो तरीके के होते हैं, एक तो जो बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए, और एक बिल्कुल उसके उल्टे होते हैं।
ऐसे तो देखा जाए तो कुछ लोग हैं जिनकी इस सूची में, कई लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे मेंटर हैं, लेकिन आप अगर किसी एक इंसान की बात करें तो मुझे लगता है मेरे पिताजी जो हैं उनकी धुतकार से मुझे ज़्यादा प्रेरणा मिली कुछ करने की, और जिसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी एक्चुअली। बिल्कुल। तो वो ये नहीं कहते, वो आपको मोटिवेट नहीं करते वो डीमोटिवेट करते, लेकिन उससे एक चीज़ निकल के आती है कि हाँ कुछ करना है, मतलब एक अंदर से एक इच्छा जागती है बिल्कुल कुछ करने की। गणेश जी, आजकल इनक्यूबेशन में जाकर एक स्टार्टअप अपने आप को एस्टैब्लिश करता है और फिर आगे वो अपने आप को और अच्छे से स्थापित करता है, कितना इम्पॉर्टेंट है इनक्यूबेशन का रोल एक स्टार्टअप में? बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने जब शुरुआत करी थी 2016 में, तब इनक्यूबेशन सेंटर्स थे नहीं जी, काफ़ी शुरुआती फेज़ था वो स्टार्टअप्स के इसके एरेना का। तो उस दौरान क्या होता था कि जब आपके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई सपोर्ट हैंड नहीं है जहाँ पे आप किसी सहायता के लिए बोल सकते, क्योंकि ऐसी चीज़ है इसमें आपको पता ही नहीं सहायता लेनी किससे, मतलब डॉक्टर है वो सीनियर डॉक्टर से हेल्प लेगा, ठीक है, कोई इंजीनियर है वो सीनियर इंजीनियर से या अपने मैनेजमेंट से हेल्प लेगा, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे आप किससे हेल्प लोगे आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो इनक्यूबेशन सेंटर का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आया हमें, क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिली। हम जहाँ पहले शॉपिंग मॉल में जाके फूड कोर्ट पे मीटिंग करा करते थे, हमें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, प्लस हमें राइट लोग मिले जिनसे हम जो परेशानियाँ फेस कर रहे हैं जो हम जानते भी नहीं कि हाँ ये हम परेशानी फेस कर रहे हैं, उन लोगों से हमें उस फील्ड के दिग्गजों से हमें मिलने को मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया और हमें सही दिशा मिली। बिल्कुल, नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी होती है अगर हम इनक्यूबेशन सेंटर में अपने आप को इनक्यूबेट करते हैं, खासकर एक नया स्टार्टअप अगर कोई स्थापित करने की सोच रहा है। पूंजी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरा एक बिजनेस सेटअप रहता है, तो पूंजी आपने किस प्रकार से एकत्रित की थी जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया? मैडम, हम लोगों ने शुरुआत में पूंजी और क्या कोई सरकारी योजना का भी आपने लाभ लिया? जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो दो दोस्त हैं उन्होंने अपनी नौकरी से कुछ पूंजी जमा कर रखी थी, तो उन्होंने वो सहायता प्रदान करी इस स्टार्टअप में। इसके अलावा हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी हमारी मेहनत को देख के हम पे विश्वास जताया, हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने थोड़ी मदद करी, और इसके बाद जब हमें और ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है उससे भी हमें काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिला, जिससे हमें रोज़गार को आगे बढ़ाने में मदद हुई। एंड इसके बाद में अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया का सीड फंड स्कीम से भी लाभ लिया है उस योजना का, जिससे हमारे व्यवसाय को हमें बढ़ाने में और मदद मिली। बिल्कुल दर्शकों, आप भी नोट कर सकते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं अगर अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया का सीड फंड भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आपकी जो संस्था है, जो स्टार्टअप है, उसमें आपने रोज़गार भी दिया है कई लोगों को, कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया है? अभी लगभग हमारी कंपनी में 15 से 20 लोग हैं जो हमारे ऑन रोल स्टाफ हैं। इसके अलावा जो जिन पार्टीज़ के साथ में हम लोग काम करते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनके लोग भी कहीं ना कहीं हमारे दिए हुए बिजनेस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑफ रोल भी कम से कम 100-150 लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं इनडायरेक्टली हमारे दिए हुए काम से। बिल्कुल सर। सर, आपकी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की सर्विसेज हैं और लोग कितने संतुष्ट हैं आपकी सर्विसेज से? हम बेसिकली मल्टी ब्रांड कार सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मार्केट में रिलायबल और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं। एमरजेंसी में किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसकी गाड़ी को किसी भी तरीके की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, सर्विस करवानी है, इस प्रकार की जो सेवाएँ हम लोग देते हैं हमारे स्टार्टअप के माध्यम से। जी, तो अगर किसी की रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए, आपके पास कॉल पहुँचता है, तो आपका कोई कॉल सेंटर है या किस प्रकार से आप प्रक्रिया पूरी कैसे करते हैं? हम लोग टेक्नोलॉजी और के मदद से इस सेवाओं को प्रदान करते हैं। तो शुरुआत में हम लोग पास कॉल से इंक्वायरीज आती थी, फिर धीरे धीरे हमने उसे टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया और भी डेवलपमेंट अभी हम इसमें कर रहे हैं ताकि पूरा प्रोसेस सिस्टमेटिक और ऑटोमेटेड बन जाए। जी, डिजिटली मतलब आपको वो काफ़ी चीज़ें अब करनी पड़ी होंगी, तो किस प्रकार से आपने डिजिटली अपने आप को पुट ऑन किया है? मैम, किसी भी बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं उनको फास्ट बनाने के लिए, उनको बड़ा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जी। तो उसको डेवलप करना आज के समय में बेसिक रिक्वायरमेंट है।
तो उसको हमने समय के साथ पहले तो बिजनेस को सेट किया, समझा कि इसकी आवश्यकताएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर उन परेशानियों को जो टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती है उसे टेक्नोलॉजी से किया, जो किसी और तरीके से हो सकती है उसे किया। सिर्फ टेक्नोलॉजी से भी काम नहीं होता है, सिर्फ किसी और चीज़ से भी नहीं होता है, सबका जो मिश्रण होता है, एक राइट बैलेंस बनाकर चीज़ों को आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है, तो जाके चीज़ें काम करती हैं। बिल्कुल गणेश जी हमारे साथ जो नए स्टार्टअप्स के युवा जुड़े हुए होंगे, वो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं जिसका सामर्थ्य आप रखते हो और उसके लिए परिश्रम करने के लिए आप तैयार हो, लेकिन किसी मतलब डर की वजह से आप उसे शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो शुरू करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्या होता है कि ये जो डर है ये एक भ्रम होता है, ये भ्रम से जब हम उसको फेस करते हैं ना, तब मतलब उस पार जाने के बाद हमें नज़र आता है कि ये सिर्फ मात्र एक भ्रम है, तो इस भ्रम को तोड़ना हमारे लिए चैलेंज होता है, जो कि सिर्फ दिमागी रूप पे चैलेंज होता है, एक्चुअल में चैलेंज होता नहीं है, सिर्फ शुरुआत करने की देर होती है। अगर आपको अभी ऐसा लगता है और आप कुछ करना चाहते हो और तो आप बिल्कुल शुरुआत करें। मतलब ये जो स्टार्टअप हो गया, अपना खुद का व्यवसाय हो गया, बहुत ही अच्छा माध्यम है अपना नौकरी पेशा रोज़गार करने का। इसमें आपको आज़ादी मिलती है, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने की लिबर्टी मिलती है, आप अपनी क्षमता अनुसार काम कर पाते हैं। क्षमता अनुसार मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, देखिए एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, आपको पता है कि आप एक बड़े लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप में क्षमता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास वो करने की पावर नहीं है, आपके पास उसकी परमिशन नहीं है, तो आप चाहकर भी उसको नहीं कर सकते हो। ये ऐसा हुआ कि एक हवलदार है, उसके पास पता है कि उसके पास एक रोडमैप है कि एक बड़े क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि वो उसकी सीमाओं से बाहर है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर आपको भी ऐसा फील होता है और आप करना चाहते हो चीज़ें बढ़कर आगे, तो उसको आपको अपनी दिशा बनानी पड़ेगी, और ये दिशा मुझे बहुत पसंद आती है, मुझे लगता है आपको भी पसंद आएगी। देरी सिर्फ शुरुआत करने की होती है, आप भी शुरुआत करके इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल गणेश जी, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है, बहुत अच्छा मोटिवेटिंग प्रेरणादायक था ये। जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा तत्पर हैं हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और नित्य कुछ ना कुछ योजनाएं लाते हैं जिससे वे स्वरोजगार स्थापित करें, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट द्वारा स्वरोजगार और स्टार्टअप को जो सपोर्ट मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर, इन टर्म्स ऑफ स्कीम, और मार्केट में इन्वेस्टर्स भी बहुत हैं, तो ये और आज की डेट में ऐसा है कि ये चीज़ें आसान हो गई हैं लोगों के लिए। एक समय था कि लोगों को जानकारी नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप हो गई है कि टेक्नोलॉजी से भी आपका लेना देना दूर का नहीं है, आप चाहें तो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो तो ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि आज के दौर में जो हालात है, परिस्थितियाँ है, वो इसके फेवर में हैं। तो अगर आप इस प्रकार का कुछ थॉट रखते हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़िए। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से हमने भी फ़ायदा लिया है, और हम आगे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रही है। मुझे लगता है आपको इससे फ़ायदा होगा और जी, आपको शुरुआत करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दी। आपने स्टार्टअप कैसे स्थापित करना चाहिए, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं, ये बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। तो दर्शकों, आज का सेगमेंट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने बात की स्वच्छता से जुड़ी हुई, जेनरिक मेडिसिन से जुड़ी हुई, और मिलवाया आपको एक सफल स्टार्टअप से भी। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त, नमस्कार।